हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हम कुछ सेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ रहे थे। हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, ए माइनस बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए बराबर जो होगा, हमें ए यूनियन बी प्रूव करना है। तो फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने के लिए वेन डायग्राम की हेल्प लेते हैं। तो वेन डायग्राम में हमने दो सेट बना दिए, ए एंड बी, ए बी। अब फ्रेंड्स, ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी बराबर क्या हो सकता है? यहाँ पे अलग अलग जो सेट के रूप में लिख रहे हैं हम, तो ये इसको लिख सकते हैं हम ए, ये ए माइनस बी, यानी कि हमें ये चाहिए, ये इसमें से बी, ये बी में से इसको हटा देना है इंटरसेक्शन को। तो ये हटा दिया हमने, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये लिख सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इस पार्ट को हम लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें ए में से अगर ए इंटरसेक्शन बी को भी हटा देते हैं तो ये हमारे पास काम बन जाता है। या अगर हम इसको और लिखना चाहें और अच्छे से, तो लिख सकते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी डैश, यानी बी डैश क्या है हमारे पास? बी के अलावा का जो पार्ट है, यानी कि बी के अलावा पूरा सेट ये है, तो इसके अलावा जो पार्ट है ये, तो ये इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश। और ए इंटरसेक्शन बी ये हमारे पास ये रहा फ्रेंड्स। और बी माइनस ए को क्या लिख सकते हैं हम? बी माइनस ए को लिख सकते हैं हम बी माइनस ए को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स बी इंटरसेक्शन ए डैश। इस जैसे हमने ये लिखा था, जैसे बी ये बी है और इंटरसेक्शन ए डैश, यानी इंटरसेक्शन करना है, तो ए डैश के अलावा जो भी पार्ट है इसका, ए डैश को, ए को हटा दीजिए हम, तो उसका ए डैश जो क्या है वो ये बचा, तो ये हो गया हमारे पास। अब फ्रेंड्स, यहाँ यहाँ से हम लिख सकते हैं ए माइनस बी की जगह लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को खुद ही लिख सकते हैं, और यूनियन बी माइनस ए को लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए डैश। अब फ्रेंड्स, ये लिख दिया हमने। अब फ्रेंड्स, हम ले रहे हैं कोई एक्स बिलोंग्स टू इस सेट से रिलेट कर रहा है, तो एक्स बिलोंग्स टू इसमें है, तो हम कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश और एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी और एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए डैश। तो ये हमारे पास आ गया एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी डैश और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए डैश, ये हो गया हमारे पास फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम ले कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए कह सकते हैं हम, और यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू बी डैश। बी डैश क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास? और साथ ही कह सकते हैं हम एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इसको कहने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी कह सकते हैं, तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी।